नमस्कार दर्शक बंधु, आज स्पेशल कार्यक्रम को स्वागत करुच्छे मु प्रमिता। पृथ्वीर सर्वपुरातन सभ्यता विषय आपण माने जानते कि जेउठारु मनुष्य सभ्यतार आरंभ होइथिला बोली कहुजाए, एहा मध्य कहुजाए आम मानकर आजिकालीर जीवनशैली अपेक्षा सेमानक जीवनशैली उन्नतमानर थिला। आमे आज से ही सिंधु सभ्यता विषय कहुछु जहाँ 4600 वर्ष पूर्वे माटी तले लिप्त हो सारी। सिंधु सभ्यता केवल भारत नुहे बरम विश्वर सर्वपुरातन नदीकूलिया सभ्यता मानक मध्यरु अन्यतम अटे। एही सभ्यता अति कम रे 8000 वर्ष पुरातन अटे बोले अनुमान करा जाए। एहा हरप्पा और सिंधु सरस्वती सभ्यता नामरे मध्यम परिचित, कारण एहार विकास सिंधु और सरस्वती नदीकूल होता। जलवायुर परिवर्तन ही एही सभ्यता विनाश होवार मुख्य कारण बोले कहा जाय थाए। एहाकु नै आमर आजिर स्वतंत्र कार्यक्रम सिंधु सभ्यतार रहस्य। सिंधु सभ्यता केवल भारतर नुहे बरम विश्वर सर्वपुरातन नदीकूल सभ्यता मानक मध्यरु अन्यतम अटे। एही सभ्यता अति कमरे 8000 वर्ष पुरातन अटे बोली अनुमान करा जाए। एहा हरप्पा और सिंधु सरस्वती सभ्यता नामरे मध्य परिचित, कारण एहार विकास सिंधु एवं सरस्वती नदीकूल होता। मोहेंजोदारो, कालीबंग, लोथल, धोलाबीरा, राखीगढ़ एवं हरप्पा एही सभ्यतार प्रमुख केन्द्र थिले। जलवायुर परिवर्तन ही एही सभ्यतार विनाश होवार मुख्य कारण अटे बोली कहा जाय थाए। सिंधु सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन नामरे मध्ये जाना जाए। एहा विश्वर सर्वपुरातन नदीकूलिया सभ्यता मानक मध्यरु अन्यतम अटे। द्रविड़ और भूमध्य सागरीय माने एही सभ्यतार प्रमुख निवासी थिले। 1856 मसीहा रे ब्रिटिश इंजीनियर जॉन विलियम ब्रंटन कराची लाहौर पर्यंत रेलमार्ग तैयारी करने किसी गुंफार खनन कार्य आरंभ करते। खनन समय रे एही सभ्यतार सविशेष प्राप्त होता, जहाँपर यह हरप्पा सभ्यता नाम नामित कर। खनन मध्यम सभ्यता लोकलोचन को आ बड़ बड़ कोठा, सुंदर सुंदर चित्र, माटी और धातु बासन, मुद्रा, मूर्ति, इटा, पत्थर एवं एभली अनेक वस्तु प्राप्त होता। जमापड़े कि एठार एक सुव्यवस्थित मानव सभ्यता बसवास करते। कहुए मोहेंजोदारो सहर 200 हेक्टर विशिष्ट थिला। सिंधु नदीर पार्श्वरे अवस्थित थिबा हेतु यह सिंधु सभ्यता नामरे नामित। मोहेंजोदारो, कालीबंग, लोथल, धोलाबीर, राखीगढ़ और हरप्पा यही सभ्यतार प्रमुख केन्द्र भाव विवेचित। खनन द्वारा मोहेंजोदारो नगर जो सब मानव मूर्ति प्राप्त होता से दाढ़ीचुक्त मुंड सह मानव शरीर उल्लेखनीय अटे। यह छड़ा एठार 1398 मोहर मध्य प्राप्त होता। मोहेंजोदारो मिलता एक मुद्रार ऊपर भाग में एक आकृति रही जहाँ अधांश मनुष्यर होता बेले अधांश बाघर अटे। यह छड़ा शिल्प और तराजु भाई अनेक जिनस प्राप्त होता। मोहेंजोदारो एक स्नानागार ठाब कर 11.88 मीटर लंब एवं 7 मीटर प्रस्तर विशिष्ट अटे। स्वस्तिक चिन्ह हरप्पा सभ्यतार ही अवदान अटे, जेउंथिरु जणापड़े कि एठाकार लोक माने धर्म विश्वासी थिबा सह भगवान को मध्य पूजा करुथिले। रेडियो कार्बन शैली रु एही सभ्यतार समय सीमा 2300 रु 1750 पर्यंत बोली जणापड़े। कृषि एवं पशुपालन एठाकार लोक मानकर मुख्य व्यवसाय होइथिबा बेले सेमाने गहम, कपा, मटर इत्यादि प्रमुख भाव चाष करुथिले। सिंधु सभ्यतार लेखा शैली डाहाणरु बाम पार्श्वक होइथाए। मोहेंजोदारो रे आकृति देखिले एपरी लगे कौन सी विचक्षण इंजीनियर एहार निर्माण करछन्ती, हेले एहा सत जे एहा को सही समय कारीगर माने ही निर्माण करछन्ती। एठारु मिलिथिबा कंकाळर गवेषणा करिया परे सेथिरु केते गुडी नकली दांत थिबार जणा जाय। एथिरु एहा स्पष्ट कि सिंधु सभ्यतार डाक्टर मध्य रहिथिले। सिंधु सभ्यतार लोक माने अलंकार मध्य परिधान करथिले। प्राप्त किछि अलंकार को विभिन्न संग्रहालय रे एबे भी रखा जायछि। गवेषणारु जमापड़े कि यह प्राचीन सभ्यतार प्राय 50 लक्ष लोक बास करुथिले। हेले कहुजाए जलवायुर परिवर्तन और प्राकृतिक विपर्यय जोगु ही एही सभ्यतार अंत घटिथिला। जलवायु परिवर्तन हेतु लोके एठारु स्थानांतर हो अन्य जगार बसवास करिबा आरंभ करथिले। परे परे भूकंप एवं बन्या द्वारा यह सभ्यता ध्वंस हो माटी रे मिसि जायथिला।
ତେବେ ଏଠାରେ ଏହା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ କି ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀଠାରୁ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଥିଲା। କେବଳ ଯଦି କିଛି ଜିନିଷର କମି ଥିଲା ତାହା ହେଉଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, କାରଣ ଆମ ଭଳି ସେମାନେ ଗୃହରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ, ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ, ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି କରୁଥିଲେ, ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ସେହି ସଭ୍ୟତାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଏସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେ କେବଳ ଏତିକି କହିପାରିବା ଯେ ପୂର୍ବରୁ ରହିଆସିଥିବା ଏକ ସଭ୍ୟତା ପ୍ରକୃତିର ତାଡ଼ନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। ତେବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ। ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ। ଯଦି ଆପଣ ଏଯାଏଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୟାକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।